मौलाना सैयद अशर, मौलाना अलीमुल्ला, सभी मौजूद हजरात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ा फख्र होता है जब उलेमा मुझे किसी प्रोग्राम में बुलाते, क्योंकि मैं इतिहास का एक बड़ा अभ्यासक हूं। जंगे आजादी की पहली लड़ाई 1857 में नहीं हुई थी, 1803 में हुई थी। जो पहली बार उलेमाओं ने अंग्रेजों को कहा था कि ये देश छोड़ के चले जाओ, ये तो इतिहास में लिखा गया है कि 1857 में लड़ाई हुई। पर 1857 का इतिहास जब भी लिखा जाता है तब ये कहा जाता है कि कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक ऐसा एक भी पहाड़ पे नहीं था जहां पे उलेमाओं की लाशें लटकी हुई नजर नहीं आती थी। तो उलेमाओं का योगदान जो है हमारे आजादी में वो किसी से कम नहीं है। वक्त बोर्ड के मामले में अंग्रेजों ने कई बार कुछ कहा लेकिन कभी हाथ नहीं लगा। नेहरू जी के राज में 1954 में ये प्रॉपर्टी के लिए वक्त बोर्ड बनाया गया, कुछ खामियां भी उसमें, ये नहीं कहते पूरा मजबूत सील पैक था, लेकिन जो भी बनाया, जैसी चर्च की प्रॉपर्टी है वो चर्च को मैंने मैनेज करने को भी, जहां पे कॉन्वेंट स्कूल बने, हॉस्पिटल्स बने, जो कुछ बना बना, हमारे अल्लाह के जमीन के ऊपर मदरसे बने, कॉलेजेस बने, स्कूल्स बने, हॉस्पिटल बने, यतीम खाने बने, जो कुछ समाज के लिए चाहिए वो बनता गया। ये समाज के हित में था। हर समाज में 10-15 गुंडे तो होते ही है जमीन का कब्जा करने वाले। ये भाई साहब यहां बैठे हैं, इनके इनके जमीन थी, इनकी नहीं, इनके नहीं बोल सकता, मक्के जमीन थी, उससे बड़ा झगड़ा चल रहा था। चंद दिनों के लिए प्रॉपर्टी का मिनिस्टर बनाया गया और ये इनकी फाइल मेरे सामने आ गई। करूं तो क्या, मैंने 3-4 लॉयर्स को बुलाया। हम लोग वहां बैठे, बंबई की सबसे बड़ी और सबसे महंगी जमीन वो है, हमारे अंबानी साहब को छोड़ उसके ऊपर पार्टी हाथ बना, बड़े तगड़े लोग एक दूसरे से भिड़ रहे थे। तब मैंने उसमें फैसला लिया कि हर कलेक्टर को लिखा जाए कि वक्फ की अगर प्रॉपर्टी है तो 7-12 पे ऊपर वक्फ डाल दो, वन सबक और वे सबक आप बेच नहीं सकते। इसको पूछो, वो डिसीजन हुआ, हमारे महसूल मंत्री ने कहा कि उसका डिसीजन है, हम नहीं बदल सकते, तुरंत उसका अमल करो। हर कलेक्टर ने वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर दी गया वक्फ प्रॉपर्टी, कोई बदल नहीं सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, एक किसी कोई मसला उत्तर प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। अब इस सरकार को समझ में आया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कानून बहुत तगड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। करे तो क्या करे, मुसलमानों को इतना अमीर, मुसलमानों की इतनी प्रॉपर्टी, अरे तोबा तोबा तोबा, निकालो इनसे हाथ से। जो सुप्रिया ताई ने कहा कि ऐसी क्या हुआ था कि आपको ये प्रॉपर्टी अभी लेनी थी, ऐसा क्या हुआ था कि आपको कानून अभी बदलना था। पर मैं चाहती हूं कि सुप्रिया ताई का जवाब वहां पे जबान है, और कभी भी जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि सेंड दिस बिल टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और किसी को अगर ये लगता है कि बीजेपी ने किसी को नॉमिनेट किया है तो मैं जेपीसी का रूल बताता हूं, इतनी पार्टी की उसने उसको उतने इनपे दिए जाते हैं और अखिलेश यादव तय करेंगे कि जीपीसी में बैठ के बैठे का कौन, ये बीजेपी नहीं तय करती है।
कि हमने बैठ के तय किया मेरे और शरद पवार साहब ने कि पाले मामा जाएगा और कोई नहीं जाएगा। क्योंकि चार दिन पहले बस कोर्ट का बिल आने वाला है ये दुनिया को बता दो, क्योंकि न्यूज लीक कर दी कि वक्त बिल आएगा और बोल के नहीं आएगा आखिरी दिन है, नहीं आएगा। हालांकि उनको मालूम था ये 240 की ताकत अपने को भिट रही है, हम ये बिल पास नहीं कर सकेंगे, फिर भी लाया पूरा है आपको डराने के लिए कि हम अभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये जो बोलते हैं ना संविधान नहीं बदलने वाले थे, आसाम में क्या भाषण दिया था अमित शाह ने कि अगर हम चुन के आए 400 पार तो पहला काम करेंगे शरीयत बदल डालेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बदल डालेंगे। देखो अगर तुमको मुस्लिम पर्सनल लॉ बदलना है तो तुमको राइट टू रिलीजन जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ी बात है फंडामेंटल राइट, आपके मूलभूत अधिकार, बोलने का अधिकार, व्यक्त होने का अधिकार, ये सब अधिकार फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। उस मूलभूत अधिकार में एक अधिकार ये भी है धर्म का स्वातंत्र्य, राइट टू रिलीजन को मत का मतलब ये होता है कि तुम जिस धर्म के मान को मानते हो उसका जो कानून है उसका पालन करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो राइट टू रिलीजन के तहत यह कहा गया है तो शरीयत एक कुरान का एक हिस्सा है, ये तुम्हारा अपना लॉ है, तो उसका बदलने का मतलब था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाले हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो देश से कि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलने वाले हैं? ये तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने इस देश को बचाया और उनको 240 पे रख दिया। पैंतालीस आएंगे महाराष्ट्र में, सबको ढो डालेंगे, 45 17 और फिर शुरू किया वोट जिहाद हुआ है। कैसा वोट जिहाद? चार सीटें मुसलमानों की संख्या है, भिवंडी में है, मालेगांव में है और दो तीन जगह पे है, 27 सीटें ऐसी है जिसमें मुसलमानों की संख्या 10% भी नहीं है, तो उसमें तुमको कुछ नहीं आ रहा है? यहां के पवन फसल हिंदुओं ने तुमको आ रहा है? ये देश गंगा जमुनी तहजीब को जानती है और इसलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, रही है और रहेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसका नारा है? CANRC किसका नारा है? हमारा। तो इसी बात पे मैं आपसे अलविदा कहता हूं और ये कहते जाता हूं कि अल्लाह के जमीन पे जिसने नजर डाली उसकी नजर नीचे जाएगी कि अल्लाह ही काफिर है।